Hey guys, welcome to another video of Airsoft Gun India। आज हमारे पास एक न्यू गन आई है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दिस इज Sig 1911 Spartan CO2 BB गन। ये Sixer के द्वारा बनाई गई है। शूट्स लाइक Sig बिकॉज इट इज़ वन। तो एस्थेटिक Sig 1911 Spartan, वेट, बैलेंस एंड हैंडलिंग काफ़ी अच्छी गन है। आप ये देख सकते हो, इट हैज़ सम वेरी यूनिक डिज़ाइन, स्पार्टन की डिज़ाइन है। और ये बॉक्स है, आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है Sixer, राइट रिजर्व, मेड इन जापान, प्रिंटेड जापान। जापान में ये गन बनाई गई है, काफ़ी अच्छी गन है। शूट लाइक Sig बिकॉज इट इज़ वन। Sig के द्वारा ये गन है, जापान में बनाई गई है। जापान के बारे में आप सब जानते हो। 4.5 mm स्टील बीबीज़ है, मतलब इसके अंदर स्टील बीबीज़ चलते हैं। अप टू 410 fps, मतलब 410 fps है, विच इज़ वेरी गुड। फीचर्स क्या हैं? शूट स्टील बीबीज़ नॉर्मल है, सेमी ऑटोमेटिक है, मतलब एक बार लोड करिए और फायर करते जाइए। ब्लो बैक एक्शन, मतलब ये बैक भी आ रहा है। ऑयल रब्ड ब्रॉन्ज स्लाइड एंड फ्रेम, ये जो है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, ब्रॉन्ज डिज़ाइन में है। डिज़ाइन आप देख रहे हो। 16 राउंड की स्टिक मैगजीन है, विच इज़ गुड। कस्टम स्पार्टन ग्रिप्स पे, स्पार्टन का ग्रिप है, काफ़ी अच्छा है। ऐसे बॉक्स में आता है। ऑल्दो मैं इस बॉक्स का फ़ैन नहीं हूँ, तो जब भी आप इस गन को खरीदें, एक गन बॉक्स भी खरीद लीजिए। इट्स वर्थ द इन्वेस्टमेंट गाइस। मैं आपको सेल नहीं कर रहा हूँ, बट गन आप देखो, इसमें से आप थोड़ी बार निकालोगे। एक गन बॉक्स आप खरीद लेंगे तो बेटर रहेगा। 911 की कस्टम मेड बॉक्स मत खरीदिए, क्योंकि वो तो फिर भी थोड़ा सा महंगा हो जाता है। बट जो सस्ती वाली है, 3000 वाली, वो तो आप खरीद लीजिए। ये ऐसे बॉक्स में है, काफ़ी अच्छी। आपको देख रहे हो, इसको हटा देते हैं। इट कम्स विद द मैनुअल। कुछ में कई बार क्या होता है, मैनुअल नहीं भी आता है, तो हो सकता है आपको मैनुअल ना भी मिले। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। दिस इज़ द मैनुअल। ये सब पेपर है ना, उन लोग के कंपनी पे वारंटी वगैरह का, बट इसकी आपकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इंडिया में आप जो है इसको वारंटी वगैरह का कोई ऑप्शन होता नहीं है, क्योंकि इंडिया में इनके सर्विस सेंटर्स वगैरह नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैनुअल है Sig 1911 CO2 BB, तो इसका ही जो है सारे डिज़ाइन है। इसके अंदर आप देख सकते हो, काफ़ी डिटेल में बताया गया है हाउ टू लोड इट। जब भी आप कोई गन खरीदो, लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चलाते हैं, वो वीडियोस देखते हैं, यूज़ करते हैं। गाइस ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल मत करिए। पूरी मैगजीन को, पूरी जो है इसका जो मैनुअल है, उसको पढ़िए। इसमें कैसे चलाया गया है, पार्ट्स के नाम आपको मालूम पड़ जाएंगे, हाउ टू यूज़ इट आपको मालूम पड़ जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा जो है हाउ टू ऑपरेट का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया होता है। कई लोग क्या करते हैं कि ख़रीद लेते हैं, यूज़ करने लगते हैं, उनको आइडिया ही नहीं लगता है कि हाउ टू यूज़ इट। तो ये काफ़ी जो है गलत है। हमेशा यूज़ करने के लिए इसको पहले पढ़ें। आप देख सकते हो, इसके अंदर पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है, कैसे इसको लोड करना है, कैसे इस्तेमाल करना है ना, कैसे फायरिंग करना है। तो सब कुछ इसके अंदर, डीएक्टिव सेफ्टी, बहुत सब चीज़ों के बारे में है। ट्रैवल शूटिंग है इसके अंदर, रिपेयर से रिटर्न से, सब चीज़ों को पढ़ना है। आई नो, जनरल मेंटेनेंस का देखिए इसमें क्या काफ़ी चीज़ें हैं। ऑलवेज विल एक्सपर्ट बिफोर द यूज़, श्योर टू साइड ऑपरेट डज नॉट लूज, डो नॉट मॉडिफाई और अल्टर एयरगन। एयरगन को कभी छेड़ने की जरूरत नहीं, कभी भी मत उसको खोला करिए। इफ एयरगन ऑफ विजुअली चेक टू सी द वर्क इज प्रॉपर। तो इन सब चीज़ों को देखिए और देखने के बाद इसका इस्तेमाल करिए। चलिए हम इस गन को बाहर निकालते हैं। लुक एट दिस, माई गॉड, फर्स्ट वर्ड, ये एक ब्यूटी है। क्या फील हो रहा है दोस्तों, यू नो दिस फील सो गुड। मेरे पास शब्द नहीं है इसको बताने के लिए, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ग्रिप पे आप लेज़र लगा सकते हैं, तो आपका जो है गन की शान और शौकत बढ़ जाएगी। काफ़ी अच्छा गाइस, ये बहुत दिनों के बाद मेरे पास कोई 1911 आया है जो काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रेसिव है। इसके मैगज़ीन को मैं बाहर निकाल देता हूँ। आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इंग्रेविंग की है मोलन लेब, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है। ये गोल्डन में है और ये ब्लैक तो नहीं है, इट इज़ डार्क ब्रॉन्जेस, काफ़ी बढ़िया। लुक एट दिस, मेड इन जापान का ग्रिपिंग है, वेरी नाइस यार। आई डोंट नो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ चारों साइड, यानी बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। लुक एट द साइड ना, साइड वाइट है, डॉट है, काफ़ी बढ़िया लुक एंड फिनिश। इस पे देखिए काम कितना किया गया है, ग्रिप्स पे काम किया गया है, सब पे काम किया गया है, डिज़ाइंस वेरी नाइस। इसको आप क्लिक करेंगे, ये आपका खुल जाएगा, आप देख पाओगे। यहाँ पर CO2 डलती है, इस पार्ट को पुश करोगे, ये बाहर निकल आता है। दिस इज़ द मैकेनिज़्म। अगर आपने जापानीज टेक्नोलॉजी के आप फ़ैन नहीं है, तो इसको देख के फ़ैन हो जाएंगे। कोई एलएनकी का इस्तेमाल नहीं करना है, ना कोई एलएनकी का इस्तेमाल करना है, ना कोई घुमाने की है, सब कुछ अंदर ही इनबिल्ट है। अगर इसके अंदर CO2 डालना हो, मेरे पास एक यूज्ड CO2 है, इसको इसके अंदर डालिए, जस्ट लाइक दिस। यहाँ से आपने इसके अंदर ड्रॉप किया, नाउ जस्ट प्रेस इट, और ये लग जाएगा। इतना ही करना है, ज़्यादा कोई तामझाम की जो है ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट अ टेक्नोलॉजी इज़। काफ़ी इजी है, काफ़ी बढ़िया है इसका सिस्टम। जिन लोगों ने दूसरे गन्स इस्तेमाल किए हैं, जिनके पास ऑलरेडी CO2 गन्स है, उसके मुकाबले इसका लॉकिंग मैकेनिज़्म, इसका यूजिंग मैकेनिज़्म काफ़ी इजी है। एक चीज़ जो मुझे इसके अंदर पसंद नहीं आया वो है इसका मैगज़ीन। ऑल्दो इसका डिज़ाइन मुझे पसंद आया है बट इसका मेड जो मुझे पसंद नहीं आया, दिस इज़ अ प्लास्टिक मेड मैगज़ीन, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है पसंद नहीं आया। अगर ये प्लास्टिक की नहीं होती तो ये काफ़ी अच्छा होता, बट इसका यूज़ काफ़ी ईजी है। आप देख सकते हो इसको मैंने डाउन किया, इसके लोड किया। अगर आप इसको ढंग से इस्तेमाल नहीं करोगे, अगर आपने इसको टेढ़ा कर दिया तो ये टूट सकती है, विच इज़ बैड। अगर आपने स्प्रिंग को भी कई बार छोड़ा तो ये टूट सकता है और ये इतनी महंगी गन जो है बर्बाद हो जाएगी, तो ये एक ड्रॉबैक मुझे लग रहा है। और आपको पता है ये स्पेयर्स वगैरह नहीं आते, मैं आपको बोल के बेच सकता हूँ, बट दिस इज़ द ड्रॉबैक। इसमें ये अगर होता तो काफ़ी अच्छा होता। अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ यू नो सॉलिड। ये सब फुल मेटल, इसके बॉक्स पे इसलिए फुल मेटल लिखा आता है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका सेफ्टी लॉक है। यहाँ आपने चला दिया, ये चलेगा नहीं। इफ़ यू ब्रिंग इट डाउन ये चलने लग जाएगा। लुक एट दिस, यू आर गुड टू गो। अगर आपने इसको लॉक कर दिया तो ये चलेगा नहीं। आप देखते हो बिल्कुल ये लॉक हो जाएगा। नीचे करना है, नीचे करने का भी जो है लॉक काफ़ी इजी है। इधर से करेंगे नहीं चलेगा, यहाँ से अगर इसको प्रेस करेंगे तो ही चलेगा, विच इज़ वेरी गुड गाइस। आप सोचो कि कई बार क्या होता है, हम लोग गलती से भी सेफ्टी को डिसंगेज कर देते हैं। ये गलती से कभी भी डिसंगेज नहीं होगा, ऑलवेज आपको यहाँ से क्लिक करना होगा। यहाँ पर एक बटन है, उसके थ्रू आप करना होगा। लुक एट दिस, ये भी काफ़ी सुंदर है। एवरीथिंग अबाउट दिस गन इज़ ब्यूटीफुल। बैरल भी काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। इफ़ यू फील इट, इट इज़ वेरी स्मूथ। काफ़ी अच्छी गन है। सिक्स और 1911 आप डिज़ाइन देख सकते हो। मैं इसको रेटिंग दूंगा इस गन को 10 में से 8 नंबर, क्योंकि ये ब्लो बैक भी है, इसका स्लाइड वाइड भी सब बाहर आता है और काफ़ी अच्छा आता है। सो मैं इसको 10 में से जो है 8 नंबर दूंगा। जब भी आप इसे ऑर्डर करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके ऑर्डर कर लीजिए। जब भी आप ऑर्डर करेंगे CO2, BB, पेलगन, ऑयल गन बॉक्सेस ऑर्डर करना मत भूलिएगा। बी डिलीवर ऑल ओवर द कंट्री। ये एयर गन है, असली गन नहीं है, तो उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको आपकी ID प्रूफ, फोटो ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना होता है। सो जाइए एंड ऑर्डर करिए। बी शिप ऑल ओवर द कंट्री। सो वेट मत करिए। अगर आपको ऑर्डर करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। या फिर आप हमें मेल करिए airsoftgunindia@gmail.com, या फिर वेबसाइट पे आप कॉल बैक रिक्वेस्ट वाले कॉलम पे क्लिक करके जो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म तो है ही, हमारे पास क्रेडिट कार्ड के भी ऑप्शन है, तो अगर इफ़ यू वॉन्ट टू बाय इट आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। Keep visiting Airsoft Gun India, बहुत से न्यू मॉडल्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस।